सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइटर में। रुख करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। एससीओ समिट में पीएम मोदी बोले, आतंकवाद क्षेत्रीय वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा। भाजपा ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए। झारखंड के हजारीबाग में सुमो और बुलेट में टक्कर से 6 लोगों की मौत, 3 घायल। UNDSG अमीना जे मोहम्मद से मिले जयशंकर, G20 से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में युवक के साथ सामूहिक कुकर्म, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। सीएम धामी ने पीएम मोदी से की शिष्टाचार भेंट, निवेशक सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत, जिला प्रशासन ने सफल आयोजन की मांगी दुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान, कहा सभी की सहमति के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन मामले पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कहा सत्य की राह पर ही चल रहे हैं। मॉनसून सीजन में डेंगू ने बढ़ाई चिंता, दून में मिले 6 मरीज। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।